मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को मिले इनकम टैक्स के नोटिस के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं और विधायकों को दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पटवारी का कहना है कि हमारे लोगों को नोटिस भेजकर बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। वहीं बीजेपी में शामिल नहीं होने पर कार्यवाही का डर बताया जा रहा है। जीतू पटवारी ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। अभी लगातार कांग्रेस के कई पूर्व विधायकों को और कांग्रेस के नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। आप देखो कि लगातार लोकतंत्र की ऐसी भावना जिसमें विपक्ष को डराना धमकाना और एक आवाज आती है बार बार कि स्वायत्त संस्थाएं हमारी जितनी भी है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इस तरह की संस्थाओं को सबको झोंक दिया गया, पुलिस भी हो झोंक दिया गया है, केवल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। कई बार बड़े बड़े नेताओं ने लिस्टें जारी करी, दिल्ली से भी करी, हमारी पार्टी ने भी करी और कई विपक्ष के नेताओं ने भी करी कि जिनके इनकम टैक्स के नोटिस थे, जिनको ईडी का संबंध था, अगर उनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम पाक साफ हो जाता है, और अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता रहा तो फिर उसको दोषी करार दे दिया जाता है या उस पर कार्रवाई चलती रहती है या उसको रोज किसी रूप में मीडिया में लाकर बदनाम करने की प्रोसेस चालू रहती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, जो जनता ने जनादेश दिया हमने उसको सर माथे पे लिया, और मैं जब पहली बार बन के आया तो हमने आज से लगभग एक महीने 20 दिन पहले तो मैंने यही कहा यहां से कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं और जो जनादेश मिला है उसको आत्मसात करते हुए प्रदेश की विपक्ष में रहकर सेवा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य व्यवहार है वो कैसा है, एक तरफ इन नोटिसों के जरिए लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स को ईजाद करना, छोटे छोटे नेताओं को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को स्थान स्तर पर किसी केस के द्वारा डराना, और साथ ही साथ जो किसान आंदोलन दिल्ली में 13 को हो रहा है उसके नजरिए से आज लगभग 80 से ज्यादा लोगों को बिना बताए डिटेन कर लेना, जेल भेज देना, गिरफ्तार कर लेना अलग अलग जिलों में, ये सब बातें इस बात का मध्य प्रदेश में घोतक है कि लोकतंत्र समाप्त करने की ओर भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग इसकी पूछताछ भोपाल के कार्यालय में भी कर सकता है, लेकिन सभी को दिल्ली बुलाया गया है। आपको बता दें कि भोपाल में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इनकम टैक्स की टीम ने कांग्रेस नेता पीसी शर्मा, गोविंद गोयल, विक्रांत भूरिया समेत कई नेताओं को नोटिस भेजा है, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के बाद अब मध्य कांग्रेस के बड़े नेता निशाने पर हैं। इनकम टैक्स ने इन नेताओं को दिल्ली में इनकम टैक्स अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा है। सूत्रों का कहना है कि ये नोटिस 100 से अधिक लोगों तक गया है। प्रदेश कांग्रेस संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष राजीव सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जिस तरह राज्यों के सीएम कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं पर ईडी आईटी की कार्यवाही कर रही है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। देवाशीष जरारिया ने कहा कि इनकम टैक्स ने 2013 से 2020 तक के रिटर्न पर नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि वे 13 फरवरी को नोटिस का जवाब देने दिल्ली जाएंगे। भिंड वापस लौटकर इनकम टैक्स अधिकारियों पर प्रताड़ना का केस भी दर्ज कराएंगे।